उसकी क्या महिमा है और कैसी अचिंत शक्ति है, मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूं कि ईश्वर भी काल का एक समांतर है। संसार की उत्पत्ति और प्रलय सब इसी पर अटकी है। जिस विजयी सिकंदर ने संसार को जीता उसकी अस्थि कहां पर गड़ी है, बताएगा कोई? जिस कालिदास की कविता संसार पढ़ता है वह किस काल और किस स्थान पर हुआ, कोई है जो इसका उत्तर दे? सन 1850 19वीं सदी का ठीक मध्यकाल, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में एक नए युग की आहट सुनाई देने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर अधिकार करके संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की औपचारिकता पूरी करती है। देखो, पलासी की लड़ाई से 100 बरस के अंदर सरकार कंपनी बहादुर ने क्या क्या काम कर दिखाए और हमारे हिंदुस्तान के मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस जमीन में लोग गाय भी नहीं चराते थे वहां अब सुंदर खेतियां होती हैं। जहां जमींदार नित बाकी माल गुजारी की इल्लत में बांधे पकड़े जाते थे वहां पक्के बंदोबस्त की बदौलत किस्त बकिस्त मालगुजारी अदा करके पांव फैलाए सोते हैं। जिन रास्तों में बकरियों का गुजर न था वहां बग्गियां दौड़ती हैं। जहां अशरफियों में बहली तक मैसर न थी वहां आने दो आनों पर रेलगाड़ियां हाजिर हैं। क्या पुल और क्या नहर, क्या मुसाफिरखाने, जो कुछ इस कंपनी के राज में देखा गया न पहले किसी के ख्याल में आया था न आज तक कहीं सुना गया। मानो जंगल पहाड़ झाड़ झंकाड़ के इस देश को सरकार कंपनी बहादुर ने हमेशा बागे बहार बना दिया। लगभग इसी समय सन 1850 सितंबर महीने की 9वीं तारीख को भारत के सांस्कृतिक नगर वाराणसी में बाबू गोपाल चंद्र के घर एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के परदादा सेठ फतेह चंद सेठ अमी चंद के 9 बेटों में से एक थे। याद करें, कलकत्ता के वही सेठ अमी चंद जिन्होंने अपने मित्र मीर जाफर के साथ मिलकर बंगाल में अंग्रेजों के कब्जे के लिए अपनी संपत्ति और प्रतिभा का इस्तेमाल किया था और बाद में लॉर्ड क्लाइव से धोखा खा जाने पर वे पागल हो गए थे। उनके बेटे फतेह चंद बनारस चले आए और यहां परिवार को अपनी प्रतिभा और चतुराई से पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके बेटे गोपाल चंद्र में व्यापारिक बुद्धि के साथ ही काव्यात्मक प्रतिभा भी थी। गिरधर दास के नाम से उनकी लगभग 40 रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। गंगा तट पर होने वाले बुढ़वा मंगल के सालाना मेले से उनके परिवार का गहरा संबंध था। नर्तकियों के नृत्य तथा संगीत और सजे हुए बाजारों से भरपूर इस एक सप्ताह तक चलने वाले मेले में सारा का सारा बनारस उमड़ा चला आता था। कहते हैं बनारस के महाराजा ने कहा था, जैसे बारात की शोभा दूल्हे से होती है वैसे ही बुढ़वा मंगल की शोभा सेठ फतेह चंद के परिवार से है। सेठ गोपाल चंद का परिवार तो महाराज बनारस का धनदाता भी बन गया था। अंग्रेजों का विश्वासपात्र तो वो पहले से ही था।
लेकिन हरिश्चंद्र के भाग्य में मां की ममता का सुख नहीं लिखा था। 5 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। और तभी 100 साल यानी 1757 से भारत की राजसत्ता पर काबिज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1857 में विप्लव की शुरुआत हुई, जिसे अंग्रेजों ने म्यूटनी या गदर और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे उस समय के हिंदी लेखकों ने बलवा कहा, और आज जिसे भारत की पहली राज्य क्रांति या पहला स्वाधीनता आंदोलन कहा जाता है। सेठ गोपाल चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे बहुत से आधुनिक परिवार अराजकता और हिंसा के इस दौर में अंग्रेजों के साथ थे। बनारस में सेठ गोकुल चंद का घर अंग्रेज अधिकारियों के कीमती सामान और उनके भयभीत परिवार जनों का शरणस्थल बना। कहा जाता है 48 बंदूकें भी उनके घर छुपाई गईं। जहां जहां फसाद उठा था, सन 1858 के आखिर होते होते सब आखिर हो गया। पर बिलायत में पार्लियामेंट वालों की ये राय ठहरी कि अब हिंदुस्तान की हुकूमत कंपनी के हाथ से ले ली जाए। 2 अगस्त 1858 को पार्लियामेंट ने ये आज्ञा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार हिंदुस्तान से कुछ संबंध न रखें। खुश नसीबी हिंदुस्तान की थी, सौदागरों के हाथ से निकलकर बादशाही की तहत में आया, काला आदमी भी क्वीन विक्टोरिया की खास रैयत कहलाया। लेफ्टिनेंट टॉमसन के समय में काशी में लड़कियों का पहला स्कूल खुला, तो हरिश्चंद्र के पिता ने उनकी बड़ी बहन को उसमें पढ़ने भेजा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बालक हरिश्चंद्र को अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन 1859 में गोपाल चंद्र गिरधर दास का भी देहांत हो गया। माता पिता दोनों का साया हरिश्चंद्र के सिर से उठ गया। सन 1861 में 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मन्नो देवी के साथ हुआ। उन दिनों उनके परिवार में यही परंपरा थी। कहते हैं कि 3 मील लंबी बारात थी और कुएं में चीनी घोलकर बारातियों का स्वागत किया गया था। पत्नी मन्नो देवी से हरिश्चंद्र के 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनकी पत्नी मन्नो देवी अक्सर बीमार रहती थी। एक होम्योपैथ का कहना था, मन्नो देवी के रोग का कारण वो उदासी और निराशा थी जो पति की उपेक्षा से पैदा हुई थी। अपने पति से उनका बौद्धिक और भावनात्मक संबंध कभी नहीं बन सका। बचपन में माता पिता और बाद में पत्नी के प्रेम का अभाव, क्या यही वो शून्य था जिसने उन्हें फिजूल खर्ची, कला साहित्य और अनथक यात्राओं, मुजरों और महफिलों की ओर धकेला? हरिश्चंद्र नाचने गाने वालियों के यहाँ नियमित आया जाया करते थे। उन दिनों बनारस का हर धनी घराना इस बात पर गर्व करता था कि उसके पास कितने बाग बगीचे और कितनी पेशेवर गायिकाएं हैं। इन्हीं में से 1-2 ऐसी थीं जिनसे हरिश्चंद्र के स्थायी संबंध बने। एक थी आली जान। गरीब पिता किशन सिंह की ये बेटी जब हरिश्चंद्र के संपर्क में आई तो उन्होंने उसका नाम रखा माधवी। हरिश्चंद्र अपनी रातें माधवी के घर बिताते थे। दूसरी थी मल्लिका। वो शायद कोई बंगाली विधवा थी जो हरिश्चंद्र के जीवन में किसी घटना की तरह आई। मल्लिका का साहित्य से गहरा लगाव था। वो कविताएं लिखती थी। बंगला से हिंदी में उसने 3 उपन्यास राधा रानी, सौंदर्यमयी और चंद्र प्रभापूर्ण प्रकाश के अनुवाद किए। वो साहित्यिक कार्यों में हरिश्चंद्र की सहायिका भी थी और उसने एक प्रकाशन संस्थान शुरू किया जहां हरिश्चंद्र की पुस्तकें बिकती थीं। अपनी एक पुस्तक की भूमिका में उसने लिखा है कि उसने ये अनुवाद अपने स्वामी के कहने पर किया है और उन्हीं को ये समर्पित भी है।
देख रहे हैं कि इस लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध होती है, न जाने क्यों लोग इसके फेर में भागे फिरते हैं। इस लक्ष्मी ने हमारे पुरखों को खाया है, आज हम इसे खाने का निश्चय करते हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल भारतीय नवजागरण और सामाजिक सुधार का केंद्र था। जल्द ही इसने हिंदी प्रदेश, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर और पटना को अपने भीतर समेट लिया। गरीबों और साधारण परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपने घर में ही स्कूल चलाया और बाद में चौखंबा स्कूल स्थापित किया। शिक्षा के प्रति उनके इस लगाव और समर्पण का ही परिणाम था कि वो पहले बनारस एजुकेशन कमेटी के सदस्य बने और बाद में 1882 में एजुकेशन कमीशन के प्रधान साक्षी चुने गए। 1864 में बंकिम चंद्र के बंगाल में प्रकाशित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की धूम पूरे भारत में हुई। कलकत्ता में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पहले से ही प्रकाशित हो रही थीं। राजा राममोहन राय के सुधार आंदोलन की गूंज पूरे देश में थी। हरिश्चंद्र इस सब से प्रेरित हुए और बनारस में अपने मित्रों को प्रेस खोलने के लिए धन दिया। लिथो प्रिंटिंग प्रेस बनारस में लगा और हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोकुल चंद्र गिरधर दास की किताब वहीं से प्रकाशित करवाई। 1867 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आधुनिक हिंदी के पहले भाषा विमर्श में इस पत्रिका की बड़ी भूमिका थी। इसे अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। जल्द ही ये पत्र पाक्षिक हो गया और फिर साप्ताहिक। हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा के बाद सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर महिलाओं की पहली पत्रिका बाला बोधनी प्रकाशित की। बाला बोधनी में महिला शिक्षा और महिला मुक्ति आंदोलन का जोरदार समर्थन था। हरिश्चंद्र महिलाओं को साहित्य में आने के लिए भी प्रेरित करते थे। जून 1882 में भोपाल की बेगम साहिबा ने अपनी कविताएं उनके पास भेजी। अपनी सिफारिशी पत्र के साथ उन्हें कलकत्ते से प्रकाशित भारत मित्र के संपादक को छपने के लिए भेजा। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसमें लिखने वालों में ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद सेन जैसे उस समय के प्रसिद्ध लोग थे। हिंदी प्रदेश में आधुनिकता और सामाजिक सुधार के नए अभियान में भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों के योगदान का ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु मंडल के नाम से विख्यात इस समूह में बालकृष्ण भट्ट ने पहले कलकत्ता और बाद में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद निकालकर सहयोग दिया। हरिश्चंद्र ने कई संस्थाओं का निर्माण किया। कविता वर्धिनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज, यंग मेंस एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब आदि। उन्होंने अपनी पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से जिन सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया उसे देखते हुए उन्हें 19वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का राजा राममोहन राय कहा जाता है। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही हरिश्चंद्र की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी थी कि एक तरफ अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट और लॉ म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया तो दूसरी तरफ उनके असंख्य प्रशंसकों ने 20 सितंबर 1880 के सार सुधा निधि में उन्हें भारतेंदु की ऐसी उपाधि दी जो हमेशा के लिए उनके नाम का अभिन्न हिस्सा बन गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उस समय कविता की प्रचलित भाषा थी ब्रज भाषा। उन्होंने लगभग हर संभव छंद में 3000 गीतों और कविताओं की रचना की जो विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित थी। संगीत का उन्हें गहरा ज्ञान था। संगीत सार जैसे उनके निबंध इसके प्रमाण हैं। ब्रज भाषा पर अपने अद्भुत अधिकार के बावजूद उन्होंने उर्दू के अलावा खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश की।
खड़ी बोली को साधु भाषा कहा और दूसरे कवियों को भी इसी में कविता लिखने को प्रेरित किया। कविता में खड़ी बोली के दखल का ब्रज और अवधी में कविता लिखने वाले कवियों द्वारा विरोध हुआ। वे खड़ी बोली को भाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे। राया लोग कहते हैं कि हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। हमको इस बात को सुनकर बड़ा सोच होता है। यदि कोई अंग्रेज ऐसा कहता तो हम जानते कि वो अज्ञानी है, इस देश का समाचार भली भांति नहीं जानता है। पर हम अपने स्वदेशियों को क्या कहें? हम नहीं जानते कि उनकी ऐसी हतबुद्धि क्यों हो गई है कि वे अपनी प्राचीन भाषा का तिरस्कार करते रहते हैं। क्या भारतखंड निवासी महाराजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय भी लखनऊ की सी बोली बोलते थे? हरिश्चंद्र ने उर्दू में भी गजलें और शेर व शायरी की। 1872 में उन्होंने कासिद नाम से एक उर्दू साप्ताहिक निकालने की घोषणा भी की थी, जो कठिनाइयों के चलते पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कुरान शरीफ का आंशिक अनुवाद किया, उर्दू कवि अनीस और नजीर की रचनाओं को संरक्षण दिया और रसा के उपनाम से खुद उर्दू में कविताएं लिखी। गुलिस्तान-ए-पुरबहार और चमनिस्तान-ए-पुरबहार जैसे संग्रह उन्होंने संपादित किए। हालांकि हरिश्चंद्र जी को उर्दू से चिढ़ थी, उन्होंने उर्दू पर स्यापा लिखकर उस पर कटाक्ष भी किया था। हरिश्चंद्र ने हिंदी खड़ी बोली में पहली बार स्थापत्य, पुरातत्व, इतिहास संबंधी लेखन की शुरुआत की। एक ओर जहां उन्होंने अकबर, नेपोलियन, औरंगजेब, रूस के सम्राट जार, बीबी फातिमा, लॉर्ड लॉरेंस आदि के व्यक्तित्व और शासनकाल के बारे में लिखा, दूसरी ओर सारनाथ, कन्नौज, चित्रकूट, सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख आदि पुरातात्विक महत्वों के प्रमाणों पर भी निबंध लिखे। हरिश्चंद्र को राजभक्ति की विरासत अपनी वंश परंपरा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने महारानी विक्टोरिया, उनके पति अल्बर्ट, पुत्र राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबरा की प्रशंसा में कविताएं और लेख लिखे। प्रिंस ऑफ वेल्स को तपेदिक हुआ तो उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना लिखी। लॉर्ड रिपन की तुलना शिव, दधीची, सत्यवादी हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण से की। अंग्रेजी राज से लाभ पाने की प्रतिद्वंद्विता में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से उनकी अनबन और तकरार अब इतिहास का रोचक हिस्सा बन चुकी है। उनका परिवार अंग्रेजों और बनारस के महाराजा दोनों का वफादार और खैरख्वाह था। कोई दूसरा चिन्ह शेष नहीं। मंदिरों के शिखर, दासे, चौकते, खंभे सब टूटे टाटे पड़े हैं। उसी दौरान 1861 में उत्तर पूर्वी भारत में, 1865 में उड़ीसा में, 1868 में राजपूताना से लेकर पंजाब तक, 1874 में बिहार, 1876 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में और 1877 समूचे पंजाब, मध्य भारत और उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़े, जिनमें 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय कीड़े मकोड़ों की तरह भुखमरी और महामारी में मरे। अकाल, महामारी और दुर्भिक्ष से मरने वालों के प्रति अंग्रेजी राज की आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक नीति बिल्कुल बेखबर थी। 1851 से लेकर 1869 तक ब्रिटिश भारत आयात निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। 1871 में इंग्लैंड 2,48,522 गेहूं भेजा गया था। अगले साल ये कई गुना बढ़कर 43,37,208 हो गया।
चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। राजभक्ति के समानांतर उनके भीतर देशभक्ति की भावना बलवती होती गई। अगर पहली पंक्ति में वे लिखते अंग्रेज राज सुख साज सबै सुख भारी तो दूसरी ही पंक्ति में लिखते पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 23 नाटकों की रचना की। कुछ मौलिक हैं और कुछ बंगला संस्कृत और अंग्रेजी से अनुवादित। उनका पहला नाटक प्रवास था जो अब उपलब्ध नहीं है। दूसरा नाटक रत्नावली एक अनुवाद था। उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया। हिंदी नाट्य साहित्य को आधुनिक बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। रूपक नाटिका ऑपेरा गीति नाटिका प्रहसन एकांकी सभी रूपों में उन्होंने नाटक लिखे। प्रेम जोगिनी में उनके समय के बनारस की झांकी और वेश्यावृत्ति की समस्या का जीवंत चित्रण है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में अंग्रेजों की स्वामी भक्ति और उनसे तमगे पुरस्कार उपाधियां हासिल करने वाले भारतीयों की चाटुकारिता पर करारा व्यंग्य है। उन्होंने हिंदी में आधुनिक नाटक की नींव न सिर्फ नाट्य लेखन में डाली बल्कि रंगमंच के सभी पक्षों के आधुनिकीकरण में उनका ऐतिहासिक युगांतरकारी महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत के यथार्थ को आईना दिखाते हैं। यात्राएं और यात्राएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के भीतर जैसे देश परदेश घूमने भटकने की एक अतृप्त छटपटाहट थी। बचपन में माता पिता की मृत्यु और असफल वैवाहिक जीवन, क्या इन यात्राओं के पीछे उनके भीतर की कोई रिक्तता थी या देश की संस्कृति और उसकी बहुलताओं को देखने की कोई ललक 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक बदलावों को अपनी आंखों से देखने जानने की आकांक्षा। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने उड़ीसा की यात्रा की। वह उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज परवस भय न सोच सकहीं कछु करी निज बेकाज। इन्हीं यात्राओं में से एक थी उदयपुर की यात्रा। सन 1882 के जाड़े के मौसम में जब उदयपुर से लौट रहे थे तो रास्ते में ही बीमार पड़ गए। बनारस पहुंचते ही श्वास रोग से पीड़ित हो गए। रोग दिन ब दिन बढ़ता गया। नवंबर 1884 में बीमारी फिर उभरी। उस समय के राज रोग टीबी ने उन्हें जकड़ लिया था। आर्थिक संकट, अंग्रेजों की नाराजगी, बढ़ते हुए कर्ज, संपत्ति को लेकर पारिवारिक कलह और रोग से जर्जर होते जाते शरीर के बावजूद उनके विचारों की प्रखरता और सामाजिक प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई। बलिया में दिया गया उनका भाषण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 2 जनवरी 1885 से बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर वैद्य के इलाज बेकार साबित होने लगे। 6 जनवरी 1885 भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब मृत्यु हुई तब उनके प्रथम जीवनीकार व्यास रामशंकर शर्मा के अनुसार उनकी कुल अवस्था थी 34 वर्ष 3 महीने 27 दिन 17 घंटे 7 मिनट और 48 सेकंड।